इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला ये बिल है। मनवर, थोड़ा पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा कि विभाजन के बाद एक हम सब की कल्पना थी कि जो नागरिक यहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार के स्वमान का और विशेषकर परिवार की स्त्रियों के सम्मान का वो रक्षण भी कर पाएंगे और उनको रक्षण करने का अधिकार भी होगा। परंतु मान्यवर, कई दशकों के बाद जब इसकी ओर मुड़ कर देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे समय समय पर बांग्लादेश हो, ये जो अल्पसंख्यक वहां रहते थे उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हुई, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब ने प्रयास किया सुधारने का, मगर दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई और एक लंबा कालखंड अभी का शासन आने के पहले ऐसा आया कि वहां घोर प्रताड़ना। मान्यवर, आंकड़े में बाद में जवाब में लेकर आऊंगा, मगर मैं कहना चाहता हूं दोनों पाकिस्तान में, पूर्वी और पश्चिम और आज के बांग्लादेश के अंदर लगभग 20-20% अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए लोग? या तो वो कहीं ना कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। मान्यवर, भारत में आए, यहां पर उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए था, मगर सालों तक नहीं मिला। ना उनको नागरिकता मिली, ना घर खरीदने का अधिकार मिला, ना नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के सुविधाएं मिली, और वो लोग आज अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे। मान्यवर, ये बिल है सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, इस सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है और कुछ विशेष रियायतें भी इन निश्चित वर्ग के लिए हमने सोची है ये बिल के अंदर। मैं बाद में इस पर आता हूं। मैं इस सदन का आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर, कि 2019 में जब आम चुनाव हुए तो आम चुनाव में अभी जो पार्टी सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथी दल सबने मिलकर एक घोषणा पत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया था और उसको देश की जनता के सामने हमने रखा था। सभापति महोदय, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये घोषणा पत्र जो सरकार बनने वाली है उसकी नीतियों की उद्घोषणा होता है, इसके आधार पर प्रचार होता है, देश की जनता इसके आधार पर अपना मत व्यक्त करती है और किसी एक दल को चुनकर, जिसका मैनिफेस्टो अच्छा लगे, किसी एक दल को चुनकर उसको शासन का अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर असंदिग्ध तरीके से
इस बात की घोषणा करी थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश की जनता के सामने रखा था, जिसको देश की जनता ने जन समर्थन दिया है और देश की जनता ने शासन करने का निर्णय।